हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। वेलकम शाहिना का किचन में वेलकम। आज मैं महारानी चिकन मुगलई बनाने जा रहे हैं। यह मुगलई डिश है। यह हमारा 500 ग्राम चिकन है। यह हमारा 500 ग्राम चिकन है। इसमें हमने ये धनिया है, कस्तूरी मेथी है, ये नमक है, इसको हमने लिया। इसमें हमने दही लिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट लिए और इसमें बुरादा किया हुआ नहीं है, क्रश किया हुआ वो नहीं दिए, इसलिए हम पाउडर दे दिए थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे, ज़्यादा देर इसको नहीं रखेंगे। यह हमने इसको मिला दिया, अब इसको रख देंगे कम से कम आधा घंटा, ऐसे इसको रखना नहीं जब तक और बाकी की तैयारी करते हैं। डाल देंगे ये हमारा धनिया है, हजीरा, ये सौंफ, इसको हमें दे करके इसको भुकना, ड्राई करना। अब इसको धीरे धीरे हमें ड्राई कर रहे हैं। इसके बाद से इसको मोटा सा दरदरा इसको करेंगे, इसको भुनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू सुंदी सुंदी नहीं आने लगेगी। यह हमारा ड्राई हो चुका, खूब अच्छी खुशबू उठ गई है। अब मैं इसको निकाल करके ग्राइंडर जार में डालेंगे जब तक मैं कढ़ाई चढ़ा रहे हैं। यह हमने जो प्याज काट कर रखा था इसको डाल रहे हैं। यह हमारा प्याज हमारा 200 ग्राम था, जिसको हमने बारीक लच्छे में काट लिया है। ज़्यादा इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ये महारानी चिकन है, इसलिए इसे हमें थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होगा। ऐसे ही ये गरम मसाला ये मैं दे रही हूँ, तेजपत्ता, जावित्री, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, ये भी थोड़ा सा और होगा, क्योंकि ये महारानी चिकन है, इसलिए ये थोड़ा सा सभी चीज़ व्हाइट रहेगी। इसको हमें दूध में गलाना है। दूध भी हमने 250 ग्राम लिया है गलाने के लिए। जगह को निकाल के रखा, जो भून करके बुके रखे थे, अब इस पर जा रहे हैं जार में डाल के पीसने। बादाम है, काजू है, जावित्री है, हरी इलायची और हरी। यह हमारा थोड़ा सा और होगा, थोड़ा थोड़ा कोई कोई प्याज अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा और होगा, बस इसमें गोश्त डाल देंगे, बस हो गया। अब हमें इतना ही देना है और कुछ ज़्यादा इसे लाल करेंगे तो फिर गोश्त हमारा लाल हो जाएगा। हमें गोश्त लाल नहीं चाहिए, क्योंकि ये महारानी है, महारानी के तरह ही ना ये बनेगी। अब ये गलेगा, भुनाएगा, तब आखिर में जो मसाला जो भून करके बुक के रखे हैं वो देंगे और काजू बादाम का पेस्ट देंगे। सूखेगा तब इसमें दूध देंगे। ये हमने काजू का पेस्ट बना लिया, काजू बादाम का। ये भी हमारा देखिए कितना शानदार, रोगन भी छोड़ चुका है, बहुत अच्छा, खुशबू से भी महक उठ चुकी है। जो फ्लेम को हमने हाई कर दिया है, थोड़ा सा पानी को सुखाना है, क्योंकि पानी अभी नहीं सूखा है। यह हमारा खुद का पानी छोड़ा हुआ गोश्त है, आपने देखा ही था कि हमने पानी नहीं दिया था। गोश्त तो पानी छोड़ता ही है, गोश्त में बहुत सादा पानी होता है, वो छोड़ता ही है। बहुत अच्छा ये हो गया है। अब मैं इसमें यह जो ड्राई मसाला था, ये मसाले को मैं इसमें निकाल रही हूँ।
अब इसको देख करके थोड़ा सा भुनेंगे। इतना शानदार ये रोगन छोड़ चुका, अब मैं इसमें दूध डालेंगे जो कि थोड़ा सा और दूध दे करके ये गलेगा। उसके बाद से मलाई और ये देंगे जो काजू का पेस्ट बनाया है, उसी में दे करके मलाई के साथ पीस दिए थे जो हमने नहीं दिखाया। ये दूध में ही गलाई जाती है, पानी नहीं दी जाती है क्योंकि ये महारानी साहब हैं तो इनको महारानी की तरह बनाना पड़ता है। महारानी चिकन मुगलई है। बस अब ये हो चुका, थोड़ा सा और तेज़ी रहेगा, थोड़ा सा और इसकी ग्रेवी सूखेगी तो जा करके तब मैं इसमें काजू बादाम का पेस्ट डाल देंगे। मैं इसमें ये काजू बादाम का पेस्ट दे रहे हैं, ये सभी चीज़ों के साथ जो हमने पीसा था मसाले के साथ। अब ये और 5 मिनट पकेगा, इसके बाद से ये हमारा मुगलई चिकन तैयार। ये हमारा मुगलई महारानी चिकन ये तैयार हो चुका। अब मैं प्लेट में बॉल में निकाल करके सर्विसिंग बॉल में निकाल के दिखाते हैं। ये मैं निकाल रही हूँ, हमारा महारानी मुगलई चिकन तैयार हो चुका। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।